नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को घर पर मिली मतदान की सुविधा। डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर से पोलिंग पार्टियों को किया रवाना। बहराइच लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग जन मतदाताओं को वैकल्पिक सुविधा के रूप में पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की सुविधा प्रदान की गई है। जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग जन मतदाताओं के मतदान हेतु 4 व 5 मई 2024 की तिथियां निर्धारित की गई हैं। ऐसे मतदाता जो किन्हीं कारणों से 4 मई को मतदान नहीं कर पाएंगे, उन्हें 5 मई 2024 को दोबारा मतदान का अवसर मिलेगा। जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार यदि बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं की बात की जाए तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बलहा में 80 वर्ष से अधिक आयु के 21 व दिव्यांग जन कैटेगरी के 15 कुल 36 मतदाता चिन्हित हैं। इसी प्रकार नानपारा में 18 बुजुर्ग और दिव्यांग 17 कुल 35, मटेरा में 9 बुजुर्ग व दिव्यांग 8 कुल 17, मैसी में 17 बुजुर्ग व दिव्यांग 8 कुल 25, बहराइच में 18 बुजुर्ग 13 दिव्यांग कुल 31। इस प्रकार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 56 अजा बहराइच में कुल 144 मतदाता, जिनमें 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 83 व दिव्यांग जन कैटेगरी के 61 मतदाता हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बलहा नानपारा के लिए 3-3 तथा मटेरा महसी व बहराइच के लिए 2-2 टीमें बनाई गई हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 56 अजा बहराइच में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 83 व दिव्यांग जन कैटेगरी के 61 कुल 144 मतदाताओं के लिए गठित की गई 12 पोलिंग पार्टियों को जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीआरओ देवेंद्र पाल सिंह, प्रभारी पोस्टल बैलेट राकेश कुमार मौर्य, एसडीएम, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रिंस वर्मा, अखिलेश कुमार सिंह, अश्विनी पांडे, रामदयाल व संजय कुमार, एआरटीओ ओपी सिंह, बीएसए अव्यक्त राम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बहराइच में बुजुर्ग व दिव्यांग जन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग की मंशा अनुरूप वैलेट मतपत्र दल में पीठासीन अधिकारी स्तर के 2 मतदान कार्मिक तथा 1 माइक्रो ऑब्जर्वर वीडियोग्राफर तथा मानक के अनुरूप सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।